विश्व में कोरोना वायरस आने के उपरांत सभी फार्मा कंपनियां इस अदृश्य महामारी के उपचार हेतु कोविड वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, जहां अभी तक WHO की मंजूरी द्वारा सब कोविड 19 वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु अब जर्मनी की एक फार्मा कंपनी ने कोरोना के इलाज के लिए पिल यानी गोली का इजाद किया है, जिसे ब्रिटेन सरकार ने सबसे पहले मंजूरी दी है। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। दरअसल जर्मन दवा कंपनी मर्क ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मोनलुपिराविर नामक पिल का निर्माण किया है। ये मोनलुपिराविर दवा कोविड वैक्सीन की तरह बहुत जल्द कोविड 19 के लक्षणों को कम करेगी और इसके इस्तेमाल से मरीज घर पर ही जल्द से जल्द ठीक हो सकेंगे। कोरोना के इलाज में इस टैबलेट को ऐतिहासिक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से कोविड से हो रही मौतों में कमी आ सकेगी, जिसके बाद ब्रिटेन सरकार ने इसे औपचारिक लेकिन शाशत मंजूरी देने का फैसला किया है। सरकार ने फिलहाल 18 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों पर इस दवा के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इसके साथ ही ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कोरोना के इलाज के लिए किसी दवा यानी टैबलेट को मंजूरी दी हो। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि बाजार में या अस्पतालों में ये दवा या टैबलेट कब से आम आदमी के लिए उपलब्ध होगी और इस दवा की बाजार में क्या कीमत होगी, इस पर भी अभी पर्दा नहीं उठाया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी इस दवा के ट्रायल चल रहे हैं और माना जा रहा है कि ब्रिटेन के बाद अब बाकी देश में भी इसे जल्द मंजूरी मिल सकती है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रायल में यह साबित हो चुका है कि कोविड 19 के इलाज में यह पिल कारगर साबित हो रही है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी ने यूरोपियन देशों में सबसे ज्यादा ब्रिटेन में ही भारी तबाही मचाई है, जहाँ 14 दिनों में 4,90,000 से ज्यादा कोविड 19 के केसेज आए हैं, तो वहीं 1700 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, जिसके बाद ब्रिटेन सरकार का इस गोली रूपी कोरोना की दवा को मंजूरी देना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि घर में ही इस दवा के इस्तेमाल से अस्पताल में भर्ती होने की आशंका काफी हद तक कम होगी, जिसके बाद अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या का दबाव कम किया जा सकेगा। इसके साथ साथ कोरोना से होने वाली मौतों पर भी कमी आएगी। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।